हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोड इंटर्न। आई एम निशान चाहर। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स के बारे में। एंड इसके अलावा हम समझेंगे जो लास्ट वाली वीडियो में हमने लास्ट में कोड लिखा था छोटा सा, जिसको हमने रन करके देखा था, उसमें एक एक लाइन का मतलब क्या होता है। जैसे तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक कोड लिखा हुआ है जो लास्ट वाली वीडियो में लिखा था। एंड जब हमने यहाँ पे रन पे क्लिक किया था तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया था, हेलो कोड इंटर्न फ्रॉम, राइट। तो ये इसमें चल कैसे रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज तुम्हें देने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा हुआ है हैशटैग इंक्लूड है, और एक एक वर्ड यहाँ पे आयो स्ट्रीम है, एक तुम्हारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें इंट मेन दिख रहा होगा, कुछ सी आउट करके कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, रिटर्न जीरो दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा इंक्लूड है, इसका क्या मतलब होता है यार, तुम्हारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सब कुछ काम करने से पहले जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारे काम कर दो। इंक्लूड का मतलब है इस फाइल को लाके यहाँ पे रख दो, इंक्लूड कर दो, ताकि मेरे को बाद में जब इसके कोई फंक्शंस वगैरह यूज़ करना हो तो मैं डायरेक्टली उनको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। अब सिमिलरली आयो स्ट्रीम क्या यार, वो फाइल का नाम है जो हमें इंक्लूड करनी है यहाँ पे। आयो का क्या मतलब है, आई इज इनपुट, ओ इज आउटपुट, कि जब भी हमें कोई इनपुट आउटपुट लेना होता है तो हमें आयो स्ट्रीम को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। जो यहाँ पे हम आउटपुट दे रहे हैं, जो स्क्रीन पे तुम्हें एंड पे दिख रहा था हेलो कोड एंड टेन फैम, वो इसी वजह से आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने आयो स्ट्रीम को यूज़ किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ से आयो स्ट्रीम को उड़ा देते हैं, हटा देते हैं और इसको फिर से रन करके देखते हैं, तो तुम देखो यहाँ पे तुम्हें एरर दे देगा, ठीक है। ये इसलिए दे रहा है, ये कह रहा है सी आउट क्या है मेरे को पता ही नहीं है, अनडिक्लेयर्ड अनआइडेंटिफाइड, राइट। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि सी आउट आ कहाँ से रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से नेम स्पेस यूजिंग एसटीडी को हटा देते हैं तो भी इसको ये सी आउट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है मैं तुम्हें समझाता हूँ। यूज अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सी आउट, अब ये खुद बता रहा है कि डिड यू मीन एसटीडी सी आउट। एसटीडी तुम्हारा क्या है, एक नेम स्पेस है जहाँ पे ना हमने हर चीज़ को एक नाम दे रखा है कि यार ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। तो जब तक हमारे कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा यार ये सी आउट कौन से वाले को कॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो वो उस चीज़ को फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे अपना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे तो हमें हर फंक्शन के पहले एसटीडी और दो कॉलन डालने पड़ेंगे, और अगर हम अभी रन करके देखें तो हमारा ये रन हो जाएगा, राइट। बट अब हमें हर फंक्शन के सामने एसटीडी नेम स्पेस ना लगाना पड़े, इसलिए जनरली हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर देते हैं, ठीक है। तो हमने दो चीज़ों का मतलब समझ लिया, हमने समझ लिया कि ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तुम अपना खुद का नेम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें तुम अपने सारे चीज़ें लिख सकते हो यार, कि इस फंक्शन को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। जब हम सीपी कर रहे होते हैं लोग तो जनरली यही करते हैं, वो फॉर लूप पूरा नहीं लिख रहे होते, वो कोई भी एक फंक्शन पूरा नहीं लिख रहे होते, कोई भी ऐसी बड़ी जो चीज़ होती है जैसे लॉन्ग लॉन्ग इंट, एक काफ़ी लंबा टर्म हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं उसके लिए अपनी नेम स्पेस ही बना लेते हैं एंड उसको एल एल आई कुछ लिख देते हैं, तो वो उनको छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि सीपी में काफ़ी जल्दी जल्दी तुम्हें कोड करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए। नेक्स्ट चीज़ क्या आ रहा है यार, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इंट मेन। अब इंट क्या है यार, इंट इज इंटीजर, इंटीजर हमारा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है, ये पूरा समझते हैं। इसके बाद हम डेटा टाइप्स के बारे में समझ रहे होंगे। और मेन क्या है, मेन तुम्हारा एक फंक्शन है। अब इसको हम एक तुम्हारे एग्जांपल से समझते हैं कि मेन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, मेन का क्या काम क्या होता है। अब तुम समझो तुम्हारे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, ठीक है, फैक्ट्री के तुम हो मालिक। अब फैक्ट्री के तुम मालिक हो, दैट मीन्स तुम्हारे पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, ठीक है, राम श्याम, रामू शामू, काफ़ी सारे तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब अगर वहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ है, 150 एम्प्लॉयज़ है, तो तुम मैनेजर होके तुम सारे एम्प्लॉयज से तो बात नहीं कर रहे होगे कि यार ए ये तू काम कर दे, बी तू ये काम कर दे, सी तू ये काम कर दे, ऐसे 150 लोगों को तुम तो नहीं बोलोगे यार तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो। तुम क्या पकड़ोगे, तुम दो तीन अपने मैनेजर्स बनाओगे, ठीक है, इनके ऊपर तुम एक और मैनेजर बना दोगे और तुम बोलोगे यार तुम ये तू ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तुम सारे टास्क इसको दे दोगे, ये अपने आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसे सारी साइकिल चलती रहेगी। तो तुम्हें पता होगा कि सबसे पहले कौन से बंदे को बोलना है कि यार ये वाला काम करवाना है, तुम ये वाला काम करवा दो, बाकी वो अपने आप देख लेगा कि किसको इसके बाद कॉल करना है, किसको इसके बाद दूसरा टास्क देना है, क्या देना है। तो जो यहाँ पे मैनेजर है ना, जो यहाँ पे सबका हेड है, वो यहाँ पे मेन है, ठीक है। जब भी C++ का कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है ना, तो सबसे पहले वो मेन से रन हो रहा होता है, इस लाइन पे आएगा वो, इस यहाँ से स्टार्ट होता है यार अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है। जैसे ही वो इस लाइन पे आता है, वो देखता है यार सी आउट है, सी आउट के लिए वो चेक कर रहा है कि ऊपर कुछ है क्या जो सी आउट को रेफर कर रहा हो, तो वो अगर उसको मिल जाता है तो बहुत बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ जाता है। एंड ऐसे करके वो पूरा प्रोग्राम को रन कर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। तो जो स्टार्ट होती है पूरी कहानी, वो तुम्हारी यहीं से स्टार्ट हो रही होती है, इसलिए इसका नाम भी मेन रखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेन है। अगर तुम देखोगे, अगर मैं यहाँ से मेन को हटा दूंगा फंक्शन को, तो ये रन ही नहीं होगा, ये बोलेगा भाई
शुरू कहाँ से करूँ मैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, और इसका अगर मैं नाम भी कुछ और रख दूँ, अगर मैं इसका मेन नाम की जगह मैं से बोलूँ राम, तो ये खुद ही बोल देगा अनडिफाइंड सिंबल फॉर दिस दिस दिस, मेन कहाँ है भाई तुम्हारा, मेन ला के दो मेरे को, बिना मेन के काम नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक अपनी पूरी बातें समझ गए हैं। सी आउट तुम्हारे आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम अपने कुछ भी कैरेक्टर्स हमें लिखना होता है, कोई लाइन लिखनी होती है, हम स्ट्रिंग में लिख रहे होते हैं। और सी प्लस प्लस में हर लाइन के बाद तुम्हें सेमी कोलन डालना होता है, तुम देख सकते हो यहाँ पर, सिर्फ ऊपर जो हम कुछ इंक्लूड कर रहे होते हैं, कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उनमें नहीं डालना होता। उसके अलावा हर लाइन के बाद हमें तुम्हारा सेमी कोलन डालना पड़ता है। रिटर्न जीरो का मतलब है कि यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो चुका है, तो रिटर्न कर दो। जनरली अब जो नए लेटेस्ट वर्जन्स आते हैं उनमें तुम्हें रिटर्न जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही रिटर्न कर देता है, जैसे कि तुम देख सकते हो, ये अपने आप रिटर्न कर देता है और हमें आउटपुट ला के दे देता है। तो तुम इसको छोटा कर सकते हो कोड को, कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस चीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। दिस इज़ लेमैन टर्म्स की, अगर तुम्हें नहीं पता कि भाई सी प्लस प्लस क्या होती है, तुम्हें नहीं पता इनकी डेफिनेशन क्या, फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए समझने के लिए अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, तुम गूगल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, क्यों यूज़ हो रही होती है, ये तुम्हें बस समझाने के लिए कोड एक्चुअली रन कैसे हो रहा होता है, हम आगे जाके अच्छे से भी पढ़ रहे होंगे, उसकी तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है यार, तो तुम्हारे जो डेटा टाइप्स होते हैं तुम्हारे तीन तरीके के होते हैं, एक तुम्हारा होता है प्राइमरी, एक होता है डिराइव्ड, एक होता है यूज़र डिफाइंड। प्राइमरी का ये मतलब है जो भी तुम्हारे लैंग्वेज ने तुम्हें पहले से दे रखे हैं कि यार ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तुम हमने प्री डिफाइंड कर रखे हैं, प्राइमरी मतलब प्री डिफाइंड होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी प्री डिफाइंड है, इन सबको तुम यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। तो ये तुम्हारे इंटीजर होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, बूलियन होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, मतलब ये अलग अलग तरीके हैं हमारे तुम्हारे प्राइमरी डेटा टाइप्स है। इसके अलावा और भी होते हैं, बट मतलब ये बेसिक बेसिक है जो हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा उसके बाद आते हैं हमारे डिराइव्ड वाले डेटा टाइप्स, जैसे फंक्शंस हो गए, एरेज हो गए, पॉइंटर्स हो गए, रेफरेंसेज हो गए। ठीक है, तुम्हारे डिराइव्ड में आ जाते हैं। एंड यूजर डिफाइंड तुम्हारे होते हैं क्लासेज, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे हम आगे। जनरली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्लासेज, स्ट्रक्चर्स, इनम्स, टाइप डेफ, यूनियन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं जब जनरली हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम लाइक कंपनीज में काम कर रहे होते हैं जब थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है, बट जब हम नॉर्मल अपने कोडिंग कर रहे होते हैं, डीएसए वगैरह पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली बस यही यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये सारे ही यूज़ हो रहे होते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये सारे यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे लॉन्ग लॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, एंड और भी काफ़ी नहीं, इसके अलावा हमारे मोस्टली ये तो सारे यूज़ हो ही रहे होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये क्यों यूज़ होते हैं यार, डेटा टाइप्स किस लिए होते हैं? डेटा टाइप्स तुम्हारे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को सेव करने के लिए होते हैं। अब तुम पूछोगे भैया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल का ये मतलब होता है कि जब भी किसी एक चीज़ की वैल्यू हम बाद में चेंज करना चाहें तो दैट इज़ वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है तुम्हारा? जिस भी चीज़ की हम बाद में वैल्यू चेंज ना करना चाहें, जो जैसा है वैसा ही रहे, दैट इज़ योर कांस्टेंट। अब जैसे हमें कोई भी इंटीजर चाहिए, ठीक है, हमें कैलकुलेटर बनाना है, हमें बोलना पड़ेगा यार इंट मुझे दे दो ए, ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब क्या होगा? इंट का मतलब है तुम्हारा इंटीजर है ये, ठीक है, ए का मतलब है तुम्हारा एक ये उसका नाम है कि किस नाम से हम उसको कॉल कर रहे होंगे, एंड यहाँ पे हमने उसको वैल्यू दे दी 10। तो ये तुम्हारा एक वेरिएबल है। अगर मैं आगे जाके बोलूँगा यार ए की वैल्यू 10 नहीं 11 है, तो अपने आप उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, बोलेगा यार तो उस वेरिएबल की वैल्यू भी 11 स्टोर कर दो, ना कि 10। तो ऐसे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास आगे जाके ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब यार ये तो हम ऐसे काफ़ी सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, बट अगर हमें 20 नंबर स्टोर करने हैं, 50 नंबर स्टोर करने हैं, हमें पता है कि एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तो हम कैसे स्टोर करेंगे? हम 50 वेरिएबल्स तो नहीं बनाएंगे। तो वहाँ पे हेल्प होती है तुम हमारी एरेज से, ठीक है। एरेज हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लीनियरली सारे तुम्हारे वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे होते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे एरेज क्या होता है, कैसे करते हैं सारी चीज़ें। जैसे जो एरेज है वो तुम्हारा एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, एरेज, स्ट्रिंग्स, ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, ये सब तुम्हारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो तुम्हारे प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं उनको यूज़ करके एक डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, सब चीज़ें डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ हो रही होती है। तुम्हारे प्राइमरी वाले डेटा टाइप्स भी डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स भी डेटा टाइप स्टोर करने के लिए, तुम्हारे यूज़र डिफाइंड भी डेटा टाइप और डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज हो रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें सारे डेटा को स्टोर करना है, उसको अलग अलग स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए इनको डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस चीज के लिए यूज हो रहा है, किसमें डेटा जल्दी डाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तुम्हारे क्रड ऑपरेशन जो होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये तुम्हारे क्रड ऑपरेशन हो रहे होते हैं, इन सबको जल्दी करने के लिए हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे होते हैं। पूरा प्रोग्रामिंग में बस यही करना होता है, ठीक है, जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है उस टाइम पे तुम्हें वो यूज करना, और बेस्ट क्यों लग रहा है तुम्हें वो पता होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें आगे वाले कोर्स में इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन भी होगी इनके बारे में कि इंटीजर कितने मेमोरी यूज़ करता है जब भी हम इसको मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं, कितने बाइट यूज़ करता है, कितने बिट्स यूज़ करता है, उन सब के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तुमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी जाके कर लेना, उस पे ऐसे छोटी छोटी नोट्स, छोटे छोटे सारी चीज़ें तुम्हें मिलती रहती हैं, नोट्स तो पक्का तुम्हारे आते रहते हैं वहाँ पे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो हमने बेसिक अपने कोड का वॉक थ्रू किया। इसके अलावा हमने समझा कि यार डेटा टाइप्स क्या होते हैं C++ और C में। इसके अलावा तुम्हें थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है कि यार ये तुम्हारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह हो तुम जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।